यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सबकी जॉब लग चुकी है और हम दोनों अभी तक वेले बैठे हैं। अबे क्यों टेंशन ले रहा है? सब सही होगा, तेरा भाई तेरे साथ है। यार अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं है कि क्या करना है। अच्छा बता तेरे को क्या बनना है। सोच रहा हूँ पुलिस में भर्ती हो क्या, जाऊं। क्या 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 पुलिस? शक्ल देखी है अपनी? एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में तेरे एल लग जाएंगे। एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट स्पेलिंग बताइयो। यार वो कल इंटरस्टेलर देखी थी ना, फील आ गई। अच्छा, ओ, तभी मैं समझू। लास्ट वीक हमने दबंग देखी थी, इसलिए तुझे पुलिस में जाना था। हाँ यार तूने इंटरस्टेलर देख ली, एस्ट्रोनॉट बनना है। मैंने परसों रागिनी एमएमएस देखी थी, पॉर्न स्टार बन जाऊं। उफ कम यार ये तो बेस्ट आइडिया है यार, मजा आ जाएगा। उसमें तो ना शक्ल दिखानी होती है ना, एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तू पागल है क्या भाई? अगर हौसले बड़े हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ हौसला बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए बड़ा। और मैं तेरे साथ बचपन से हूं, अंगूर वाले, समझा? यार ऐसे कैसे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, रिलैक्स कर, तेरा भाई तेरे साथ है। यार कितनी ऐश करें यार, कॉलेज से पास आउट हुए 2 साल हो गए, जिसको देखो या तो जॉब कर रहा है या शादी कर रहा है, और मैं यार टॉरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स सब कॉलेज ड्रॉप आउट थे, आज देख एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। बेटा तेरा एमबीबीएस का रिजल्ट आ गया। तेरा भाई तेरे साथ है, तेरा भाई तेरे साथ है। धोखेबाज, तूने कभी एग्जाम दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? तूने तो मुझे बोला था तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए नहीं मिल सकता। इतना बड़ा धोखा मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा टेंशन मत ले, फेल हो गया है। क्या क्या अब हम क्या करेंगे यार? वही बन जाए। भाई क्या हो गया? यार मुझे छोड़ के चली गई बेंच। हैं? क्यों? अभी तो तुम्हें बस 20 दिन हुए थे। कहती तुम बहुत बेंचो बेंचो करते हो। बात तो सही है यार, आदत है मेरी बेंच। पर हुआ क्या? उस दिन हम स्टारबक्स में बैठे हुए थे, मैंने वेटर से कहा गेट मी टू जावा चिप्स बेंच। कहती तू वेटर से गालियां देके बात कर रहा है? मैंने कहा डार्लिंग बेंच मेरी आदत है। बेंचो डार्लिंग? कहती तू मुझे भी गाली दे रहा है और थप्पड़ मार के चली गई। चल कोई बात नहीं, तुझे तो वैसे ही 1 महीने में 10 बार सच्चा प्यार हो जाता है। यार ये वाला 95% सच्चा था बेंच, और बाकी 5% 5% बेंचो खा गया ना यार। यार मुझे देख, मेरा 2 साल से चल रहा है, इसको कहते सच्चा प्यार। अच्छा तेरा प्यार प्यार, मेरा प्यार मियाँ खलीफा। मियाँ खलीफा? मियाँ खलीफा ये कौन सी बहन जी है? पापा बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। ओह बिजनेस वुमन, अच्छा किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वाह भी वाह, काहे का? अंकल हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क वो कंप्यूटर में लगता है ना। हाँ वो हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क का बिजनेस कुछ नया लगता है नहीं? अच्छा ये बुर्ज खलीफा भी इन्हीं का है? नहीं अंकल, बुर्ज खलीफा तो हमारा है। तुम्हारा है मतलब? वाह भी वाह, आजकल के लड़कों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोच रहा हूँ मैं भी रिटायरमेंट के बाद हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू कर दूँ। अंकल फिर तो देर हो जाएगी, तब तक तो आपका सॉफ्ट डिस्क हो जाएगा। क्या? चुप हो जा। हेलो वर्मा साहब। हाँ रिटायरमेंट के बाद का प्लान हो गया। हाँ अरे हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ मियाँ खलीफा जी भी उसमें है। हाँ महिला है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं वो मैं एक दोस्त को भेज रहा था, वो गलती से आपको सेंड हो गया। हाँ जी रिपेयर करा दूंगा। हाँ जी रिपेयर करवा ही रहा हूँ बस। हाँ जी रिपेयर करवा ही रहा हूँ बस। हाँ जी रिपेयर करवा ही रहा हूँ। हाँ जी रिपेयर करवा ही रहा हूँ। हाँ करवा रहा हूँ। क्या हुआ? यार फोन खराब हो गया है, कुछ भी लिखता हूँ तो मैसेज बन के किसी को भी सेंड हो जाता है। तूने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी? पूछ मत बेंच, एक बंदी को ले गया था डेट पे, सोचा था मूवी के बाद आस्क आउट करूंगा। क्या बात है। पॉपकॉर्न का टब लैब पे रखा हुआ था, वो खा रही थी, इतने में वंडर वुमन की एंट्री हो गई, बेंच टब ऊपर हो गया। कहती ये क्या है? मैंने कहा डार्लिंग बेंच डार्क नाइट राइजेस।
थप्पड़ मार के चली गई वह। तुझे अपनी फीलिंग्स पे जरा सा भी कंट्रोल नहीं है ना, प्यार के बिना अकेला सा हो गया हूँ यार। पापा भी एक साल से दुबई में है, बहुत कम घर आते हैं मैं, चुप कोई अपना है ही नहीं। मेरे भाई मैं हूँ ना, मुंह में लेगा पूरा दिन अपनी बंदी के साथ लगा रहता है। और तू क्या कर रहा है, तेरे घर का वाईफाई स्लो है क्या, चल तो रहा है क्यों? ओए तू फिर से गेम डाउनलोड कर रहा है? मूवी मूवी डाउनलोड कर रहा है? अपलोड क्या? लास्ट नाइट आई रिकॉर्डेड माय फैक्ट टेप, उफी को अपलोड कर रहा हूँ। कहाँ? माय ग्रैंडफादर लव्ड फुद्दी .com। ओ फक, बेचू 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 बेचू। क्या हुआ? पापा का मैसेज आया, मेरा बच्चा मैं आ रहा हूँ आज MKC। MKC MKC माकी चू। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। तुम बच्चे भी अब धीरे धीरे ऊपर आने लगे हो, पहले पैर छूते थे अब घुटने छूते हो, आने वाले टाइम में शायद लैंड ही पकड़ लो। माकी चू। अंकल पूरे छू लेता हूँ। माकी चू, लुक एट यू बेटे, कितना बड़ा हो गया है। आपने कब देखा? पापा आपने तो सरप्राइज दे दिया बेंचो। अबे ओ अंकल के सामने तो बेंचो मत बोल। माकी चू बेटे, हमारी पूरी फैमिली पोकेमोन फैमिली है। इसकी मम्मी को पसंद था राइचू, इसको पिकाचू, मेरे को माकी चू। माकी चू कौन सा पोकेमोन था? मेरे ग्रैंडफादर को तो एफ पसंद है। यहाँ सबको पता है ये बात। पिकाहू का ट्रेनर एफ। क्या? एश। ही गॉट इट। सॉरी बेटे समीर, देख तेरे लिए क्या लाया। सेल्फी स्टिक बेंच। मौफा जी ये तो यहाँ भी मिल जाती है। स्पेशल सेल्फी स्टिक है ये मेरे जिगर के लिए, सिर्फ ओ ये बोलने पे फोटो लेती है माँ की चू। ओ ये, ओ ये, ओ ये, ओ ये, ओ ये, आई लाइक इट। थैंक यू मोफा जी। और बेटे तेरे लिए ये ले घड़ी, रात में ग्लो करती है माँ की छू। अंकल छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, ग्लोइंग वॉच। छोटे बच्चे से याद आया, तेरा नुन्नू कैसा है बेटे? कौन नुन्नू? जब तू छोटा सा था तेरा नुन्नू तेरी पैंट की जिप में फंस जाता था और तू पूरा दिन रोता रहता था माँ की छू। अब तो नहीं फंसता? अब तो इसका नुन्नू किसी और की पैंट में फंसता। ए, नहीं फंसता, नहीं फंसता अंकल, अब नहीं फंसता, क्या फंसेगा, नहीं फंसता। पापा बेंचू मेरे लिए क्या लाए हो? एक सेकंड, एक। हेलो लीजा, ये कौन सी लैंग्वेज थी? बेटे ये सीक्रेट लैंगवेज थी, शाम को गुड़गांव जाना है। अंकल गुड़गांव का नाम हो चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया। बेटे टट्टी को कितना भी चीनी में घोल दो वो कभी मफिन नहीं बनेगी माँ की चू। या लीजा आ रहा हूँ माँ की चू, उससे किसी भी तरह वो सीक्रेट कोड निकलवाओ, और अगर नहीं माने तो वहीं पे कंदील फीचरिंग राखी सावंत की DVD पड़ी है, हाथ पैर बांध के दिखाओ। Oh, no. और अगर फिर भी ना माने तो चूतनों के बीच में लाल मिर्ची का तड़का दो, आग के गोले हगेगा माँ की चू। डोंट माइंड अंकल, बट आपका बिजनेस तो छतरी का था ना? बेटे छतरी का बिजनेस तो दुनिया को दिखाने के लिए है। तो आप दुबई में करते क्या हो? मैं तो रैकेट चलाता हूँ। बैडमिंटन खेलते हो? माकी चू मेरे बेटे, रैकेट मतलब इलीगल धंधा, माफिया माफिया, हेरोइन का बिजनेस। ओह ये, मेगन फॉक्स मिलेगी? लो मुजरा नहीं करवाते, ड्रग्स का हेरोइन का बिजनेस है। मोफा जी लीजा कौन है? सेक्रेटरी पर्सनल। चुप कर बेंचो। पापा मेरे लिए क्या लाए हो? बेटे लीजा। पापा गिफ्ट बेंच। लीजा लाया हूँ बेटे, बाप हो तो एफा। ये कब हुआ? बेटे आज से 4 महीने पहले दुबई में मुझे गोली लगी थी, हॉस्पिटल जा नहीं सकता था तो लीजा ने ही मेरी गोली निकाली, गोली निकालते निकालते मेरी गोली चल गई। ओ ये मोफा जी, गोली सीधा उसके हाथ में लगी तो दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसी में ही प्यार हो गया माँ की छू। ले बेटे लीजा से बात कर। मैं क्या बात करूं? तू कुत्ते का पीला नहीं है, तू मर्च का बच्चा है, तू शेर का बच्चा है माँ की छू, बात कर।
हेलो वैंशु। पापा आप ही बात करो यार, ये तो आवाज से इतनी हॉट लग रही है। अच्छा मम्मी कैसे बोल दूँ यार। कोड मिल गया, कोड मिल गया। माकी चू लीजा आज यू डू डू आई लव यू यार डू 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 जाल क्यों दिया ना। लेट्स हैव सेक्स टू नाइट ऑफ ब्लू आई डू डू। बेटा कोड लिख, बेटा कोड लिख। टी यू एम सी एच यू टी आई वाई ए एच ओ। थैंक यू लीजा, ये ले फिर यू दे 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 दे। पलंग छोड़ देंगे आज गाड़ी। बेटा कोड बता जल्दी, मैं आपको सेंड कर देता हूं। ये किसको सेंड हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? बबली सर को सेंड हो गया। अबे उनको कौन सा समझ आना है सीक्रेट कोड वैंशु। तुम चूतिया हो। हाँ वैंशु, हूँ। तू भी है, ये भी है। मैं तो हूतिया हूँ। अबे तुम चूतिया हो, सीक्रेट कोड था जो बबली सर को सेंड हो गया। कैसे? फोन कर रहे हैं। बेटे मेरी बात करा। माखी चू। दूध और बुंड दोनों के फटने पे आवाज नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है, आज तो दोनों डेट पे जाके आए हो। मम्मी क्या हुआ? तेरे पापा मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे। अरे अच्छी बात है ना, दोनों ने साथ में वक्त बिता लिया थोड़ा सा। क्या अच्छी बात है, इतना घटिया सिनेमा हॉल था। कहाँ पे? इधर ही बगल में जो है चंदू सिनेमा हॉल। चंदू सिनेमा हॉल में? अरे वहाँ तो 10-10 रुपए की टिकट मिलती है यार। सुना तुमने? पता नहीं कौन कौन आए हुए थे, सारे रिक्शा वाले झाड़ू पोछा मारने वाले आए थे वहाँ। वो सारे बनियान में थे और ये इकलौते शर्ट में बैठे थे। इतना अजीब लग रहा था। आपको कोई दूसरी जगह नहीं मिली ले जाने के लिए, वहाँ ले गए। पता नहीं कौन सी गंदी फिल्म दिखाने ले गए थे। कौन सी फिल्म देख के आए हो? पति फौज में पत्नी मौज में। पति फौज में पत्नी मौज में। अरे ये क्या है? अरे वो एक फौजी की कहानी है, वो बाहर जाता है तो है? इतनी सारी फिल्मों में से बस वही मूवी मिली थी देखने के लिए, और मम्मी को क्यों ले गए? अरे तूने तो कहा था उस दिन फौजी की कहानी है, तो उस दिन हम सब्जी लेके निकल रहे थे वहाँ से, तो मैंने उसका पोस्टर देखा, तो मैंने सोच लिया कि दिखाऊंगा इसको एक दिन वो फिल्म, उसी बहाने मैं भी देख लूंगा। एक और फिल्म लगी थी लेकिन वो बहुत अश्लील थी, तेरी माँ को कैसे दिखाता मैं। कौन सी? तोहार चुम्मा विटामिन ए। तोहार चुम्मा विटामिन ए। अब ऐसी फिल्म दिखाओ तेरी माँ को, देखोगी तुम तोहार चुम्मा विटामिन ए। अरे यार ऐसे थिएटर में जाने की क्या जरूरत थी, दुनिया भर के मॉल है, एक वही जगह मिली थी जाने के लिए। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई मेरे पैर के ऊपर से इतना बड़ा चूहा निकला, मैं तो वहाँ से भाग गई, और मेरे पीछे पीछे ये भी आ गए। तो फिर आप लोगों ने मूवी देखी नहीं? कहाँ देखी, नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी। चल अब जो हो गया हो गया, मुझे वो फौजी वाली फिल्म तेरे कंप्यूटर पे देखनी है अभी के अभी। वो मैंने डिलीट कर दी, उस दिन बताया था ना आपको उसमें वायरस था, मैंने हटा दी। ऐसे कैसे वायरस आ जाएगा, मैं भी देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने हटा दी पापा, मैंने हटा दी। बचाओ बचाओ। पापा ये मेरा दोस्त है बिल्ली। उसी? What? अरे बिल्ली 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 नहीं। ओ कहाँ से है? यूके। ओहो उत्तराखंड से। यूनाइटेड किंगडम लंदन। फादर लंदन। हेलो मिस्टर बैबलू, हाउ डू यू डू? आई सिट एंड डू दिस हैंड फॉर रबिंग एंड वॉशिंग। किस 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 किस। अरे वो पूछ रहा है कैसे हो। हेलो हेलो वेलकम, माई सेल्फ बबलू फ्रॉम इंडिया। ही इज माई सन ऑफ मी एंड शी इज माई वाइफ जानकी। ओके फीमेल हिज मदर ऑफ वन। मामा ओके। हाउ मिसेस जानकी? ओके। आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम बीबी। ओके। शी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट सेज ओके। ओके ओके। सो व्हाट डू यू डू? आई एम करंटली स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ओहो लंदन स्कूल ऑफ प्रिक एंड बॉल्स। अरे नहीं 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 नहीं, ही जस्ट किडिंग, ही जस्ट किडिंग। क्या कह रहा है? बोल रहा है मैं बच्चे कर रहा हूँ। तुम खुद से बच्चे करते हो? मैं कैसे कर सकता हूँ खुद से बच्चे, तुम्हें भी पता है फालतू बात करती हो। अरे फायरिंग। अरे मम्मी पापा
किडिंग का मतलब होता है मजाक कर रहे हो, उसके सामने भी लड़ाई कर लो, मार लो चक्कू दोनों एक दूसरे के। इसको समझा, लड़ती रहती है पूरा दिन। Baby, your dad is a funny guy. I like you. I likes you too. Let's have food to eat with hands. I'm cool with it. So what are we eating today? भिंडी की सब्जी बनाई है मम्मी ने आज। भिंडी? भिंडी। भिंडी means lady finger. औरतों की उंगली? अरे बेटा क्या बोल रहा है, औरतों की उंगलियां काट के थोड़ी खिलाती है। इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं फादर, समझे? भिंडी, that is some serious shit bro. अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ये तो टट्टी है, मेरी भिंडी को टट्टी बोल रहा है ये उल्लू का पट्टा। कैसे दोस्त है तेरे, पटा इनको, निकाल यहां से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं बोला यार, वो क्यों उसके सामने इज्जत का फालूदा कर रहे हो दोनों। फंस गया हूँ शादी करके, 5 साल हो गए। अगर पता होता कि ऐसा हाल होगा तो करता ही नहीं। पिछले 5 साल से अकेले डेट पे जा रहा हूँ, कभी सब्जी लेने, कभी दूध लेने, कभी संडास का फिनाइल लेने, तो कभी टॉयलेट रोल लेने। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना पास्ता बना दो। हाँ बना रहा हूँ, पास्ता खाएगी साली। कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या पसंद है? तुम्हें क्या पसंद है? बेबी चिकन बिरयानी। अच्छा तो मार्केट से चिकन लाके बना दो, मैं भी खा लूंगी थोड़ा सा। साली जिंदगी झंड कर दी है। सबसे पहले सुबह उठ के टॉयलेट साफ करो, फिर कपड़े धो, फिर खाना बनाओ, और जब टाइम मिल जाए तब ये बर्तन मांजो। मम्मी ने कहा था कॉलेज के बाद बहुत अच्छा पैकेज लगेगा बेटा तेरा। साला ये रिक्रूटमेंट लगी मेरी, अकाउंटेंट बनना चाहता था, इसके साथ मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। मुझे तो याद भी नहीं इसने लास्ट टाइम मेरे से प्यार से कब बात की थी। जब भी रोमांटिक होके करीब जाता तो कहती तुम्हारे में से टाइड और निरमा की खुशबू आती, अरे पूरा दिन तेरे ब्लाउज और पेटीकोट धोऊंगा तो आएगी। अरे रफ्तार का गाना गा रहा हूँ, तुम ले ना पाओगे मेरी जगह। ऊपर हूँ काफी मैं तुमसे खड़ी। शादी की रात विदाई के टाइम इसके बाप ने मुझसे कहा बेटा मैं तुम्हें लड़की नहीं दे रहा। मेरी फटके 4 हो गई। फिर कहते मैं तुम्हें परी दे रहा हूँ, परी। अरे परी बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ी, खा खा कर ढोल हो गई है। अगले हफ्ते जाएगी मायके, तब बनाऊंगा दोस्तों के साथ बैंकॉक का प्लान। खूब मस्ती मारूंगा, खूब अय्याशियां मारूंगा, अपने सारे अरमान वहीं निकालूंगा मैं। अरे बन गया पास्ता। बना रहा हूं, बना रहा हूं। चुप हो जा यार। अरे दूध गरम कर दिया क्या? चुप चुप। अरे क्या गिरा दिया? रूठी Super shot. He's on fire. Virat Kohli. What a shot, Kohli. Hashtag we won't give it back. Hashtag Kohli, you are rocks. Oh, that's beautifully done. That's gone all the way flat and 6. Again. A sixer by Kohli. We won't give it back. Kohli, you are rocks. Yes, he's got the edge. Good delivery. इसको किसने रख लिया टीम में? Hashtag चूतू हो रहा है क्या? हो गया ब्रेकअप? हाँ यार। उसने किया या तूने किया? मैंने करा। अबे स्लट थी यार वो, बहुत बड़ी वाली। क्या है? स्लट। स्लट क्यों? अबे कॉलेज के लड़के बता रहे थे यार, उसने परसों किसी लड़के को किस किया था। और तूने यकीन कर लिया? हाँ यार लड़के बोल रहे थे। नहीं प्रूफ क्या है? ऑब्वियसली है ही वो स्लट।
अबे मैं तेको बताना भूल गया, शायद तेरी बहन का दो लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है। क्या बोल रहा है कुत्ते? नहीं, मेरे को जो पता लगा मैंने बस वो तेको बताया। किसने कहा? कॉलेज के लड़के बता रहे थे। और तूने मान लिया? तो तूने कैसे मान लिया? शक्ल देख अपनी, खुद की बहन के बारे में ऐसी बातें सुन के कैसा चेहरा पीला पड़ गया तेरा। तेरे को पता है लड़कियों के बारे में ऐसे रूमर्स कौन फैलाता है? या तो जब कोई उससे बहुत जेलस होता है, या तो जब कोई उसे हासिल नहीं कर पाता, उसका अटेंशन ले नहीं पाता। हम लोगों की साली यही प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में कोई लड़की चार लड़कों के साथ दिख जाए तो उसको बिना सोचे समझे स्लट बोल देते हैं, और अगर उसी जगह पे एक लड़का हो और चार लड़कियां हो तो भाई क्या डूड है यार। लड़की करे तो स्लट, लड़का करे तो डूड। मैंने अक्सर लड़कों को ब्रेकअप के बाद ऐसे रूमर्स फैलाते हुए देखा है, और आज तू भी वही कर रहा है। किसी ने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और तूने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और बिना सोचे समझे उसको स्लट बोल दिया। और तू कौन होता है उसको स्लट बोलने वाला? जब तू रिलेशनशिप में था तब दूसरी लड़कियों से बातें करता था, मिलने जाता था, तूने मेरी आंखों के सामने उससे कितने झूठ बोले हैं, और तू उसको स्लट कह रहा है? स्लट तू है। छोटे कपड़े पहने तो स्लट, रात को पार्टी करे तो स्लट, लड़कों के साथ घूमे तो स्लट, स्लट स्लट स्लट। भाई ये जो वर्ड है ना स्लट, इसका मीनिंग कुछ अलग है, हमारी सोच से काफी परे है। किसी के भी बारे में बुरा बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक। अरे मैंने तो लड़कियों तक को एक दूसरे के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाते हुए देखा है यार। एक इगोइस्टिक बंदे की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? रिवेंज। उसने मेरे साथ ऐसा किया, रिवेंज। उसने मुझे डंप किया, रिवेंज। उसने मुझे ये बोला, रिवेंज। उसने मुझे वो बोला, रिवेंज 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 रिवेंज। और भी काम है लाइफ में यार, क्यों किसी की जिंदगी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? उसके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो? पहले खुद की थाली देख। क्या दिन थे यार वो, हर साल क्रिसमस पे गिफ्ट मिलते थे नहीं? अंशु दिन थे यार वो, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि हमारा ही फुद्दू काट रहे थे। मैं 9 साल का था जब मैंने एक दिन देखा मेरे बगल वाला हलवाई सेंटा की ड्रेस पहन रहा है। मैंने कहा हमारा फुद्दू काट रहे थे अंशु, उसी की कड़ाई में मुद दिया मैंने अगले दिन। मैरी क्रिसमस बच्चों, मैरी क्रिसमस। क्या पापा अभी भी सेंटा बन रहे हो? अरे बड़े हो गए हम। मैं असली सेंटा हूँ बच्चे। हद हो गई अंकल, खुले में पेशाब करना और झूठ बोलना दोनों गलत बात है। यार अंकल ऐसे नहीं मानोगे, दाढ़ी खींच दूं। कल तुमने रात को 10:35 पे BDSM वाली वीडियो देखी थी ना? फॉरवर्ड कर करके देखती हूँ, मजा आता है। आपको किसी ने अंदर आते भी नहीं देखा? पापा तो बाहर बैठे। मुझे तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। ऐसा क्यों वंश? सिर्फ नोटी नोटी बच्चे मुझे देख सकते हैं, शरारती बच्चे देख सकते हैं। और वैंचो भोले वाले चिरान बच्चे क्यों नहीं देख सकते आप? सिक्स मांगने लगे हैं। मैं खुद नोकिया 3310 लेके घूम रहा हूँ भाई। क्या लाइफ है यार वैंचो, फाक मजा आ गया वाली। आपने सबसे शरारती हरकत कौन सी की है? लास्ट क्रिसमस को मैं तुम्हारी घर की छत पे ही नाच रहा था। तो इसमें क्या हुआ? नंगा नाच रहा था ना। तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं? भूल गए क्या? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लाए थे पीछे के दरवाजे से। हाँ लाया तो था पर... वाह, आपने कुछ देखा? कुछ नहीं देखा, सब कुछ देखा। ओ ये, ओ ये। कोई बंदी नहीं दिखती बेंचो, बंदा ना हो गया स्टेशन हो गया। बेंचो बेंचो करोगे तो घंटा कोई नहीं मिलेगी। तमीज से बात करो बच्चे। तो मांगो दोनों, क्या चाहिए मांगो? क्या चाहिए? मुझे गायब कर दो बेंचो। क्यों? 5 मिनट के लिए कर सकता हूँ। बस 5 मिनट बेंचो। अरे कंधे पे क्या बिठा लिया तू, तो कान में मूतने लगा। अच्छा करो तो। हो असल विस्तला मुर्की दे सादी त्वाड़ी मादी जय हो। बेंचो बेंचो। जी मिसेस वर्मा जी, वो तो है पापा सेंटा क्लॉस। सेंटा पापा, तू हफीम का नशा तो नहीं करता? फालतू बातें कर रहा है। हेलो जी, अरे पता नहीं क्या सेंटा सेंटा कर रहा है। अच्छा आपको पसंद है? हाँ जी, कभी कुछ नहीं मांगा क्या? डिल्डो। मिसेस वर्मा कौन है? अरे चुप कर ना, फोन पे बात कर रहा हूँ मैं यार। हाँ जी
इसको वापस ले आओ यार। अस्तलम इस्तलम उर्की न सादी पड़ी मा दीजे ओ। तू कब आया? अंकल मैं तो यही हूँ तब से, मुझे तो नहीं दिखा। यही था पापा, यही था। हाँ? आप फोन में बिजी थे। अरे ये डिल्डो क्या होता है यार? प्लास्टिक का हार्ड डिस्क। दिल दीवाना है, डिल्डो पागल है। दिल दीवाना है, डिल्डो पागल है। दिल दीवाना है। बड़े हरामी बच्चे हैं। हाँ जी सुना, हाँ जी हाँ। अच्छा वो भी तो है। और वो वाला ना पापा, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। अच्छा बच्चों, मेरे जाने का टाइम हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मांगना। सबको खुश रखो और सबका भला कर दो बस। As you wish। अस्तलम इस्तलम मूर्ति दसादी तोड़ी मादी। और मांग इनविजिबिलिटी, क्या उखाड़ लिया 5 मिनट में? बेटा मेरा नाम भी बेंचो है, उनके बैग में से ये निकाल लिया मैंने। क्या? पेटी कोट में धूम धड़ाका वॉल्यूम 5। पेटी कोट में धूम धड़ाका? पेटी कोट में क्या? दिल पागल है, दिल दीवाना है। दिल पागल है, दिल दीवाना है। ओके भाई, क्या हो गया? क्या मुझे छोड़ के चली गई बेंच? हैं? क्यों? अभी तो तुम्हें बस 20 दिन हुए थे। कहती तुम बहुत बेंचो बेंचो करते हो। बात तो सही है यार, आदत है मेरी बेंच। पर हुआ क्या? उस दिन हम स्टारबक्स में बैठे हुए थे, मैंने वेटर से कहा गेट मी 2 जावा चिप्स बेंचो। कहती तू वेटर से गाली दे के बात कर रहा है। मैंने कहा डार्लिंग बेंचो मेरी आदत है। बेंचो डार्लिंग? कहती तू मुझे भी गाली दे रहा है और थप्पड़ मार के चली गई। चल कोई बात नहीं, तुझे तो वैसे ही 1 महीने में 10 बार सच्चा प्यार हो जाता है यार। ये वाला 95% सच्चा था बेंचो, और बाकी 5% 5% बेंचो खा गया ना यार। यार मुझे देख, मेरा 2 साल से चल रहा है, इसको कहते सच्चा प्यार। अच्छा तेरा प्यार प्यार, मेरा प्यार मियां खलीफा। मियां खलीफा? मियां खलीफा ये कौन सी बहन जी है? पापा बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। ओह बिजनेस वुमन, अच्छा किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वाह भी वाह। काहे का? अंकल हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क वो कंप्यूटर में लगता ना। हाँ वो हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क का बिजनेस कुछ नया लगता है नहीं। अच्छा ये बुर्ज खलीफा भी इन्हीं का है? नहीं अंकल, बुर्ज खलीफा तो हमारा है। तुम्हारा है मतलब? वाह भी वाह, आजकल के लड़कों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोच रहा हूँ मैं भी रिटायरमेंट के बाद हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू कर दूं। अंकल फिर तो देर हो जाएगी, तब तक तो आपका सॉफ्ट डिस्क हो जाएगा। क्या? चुप हो जा। हेलो वर्मा साहब। हाँ रिटायरमेंट के बाद का प्लान हो गया। हाँ अरे हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ मियां खलीफा जी भी उसमें है। हाँ महिला है। उस कुत्ते के बच्चे को ना 10 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। बेंचो अपने बाप से मंगा ले रहा है बेंचो। ऐसी कैसी हिम्मत हो गई बेंचो? बोल के दिखाया एक बार बेंचो, सही कर दूंगा बेंचो 2 मिनट में। यार लड़ाई करके क्या होगा, उसमें और तेरे में कोई फर्क रह जाएगा? ऐसे कैसे बोल देगा बेंचो, उसी के घर में घुस के मारूंगा बेंचो। ओए हेलो, हाय बेबी, कैसी हो? बस अच्छी हो, मौसम नहीं हो? क्या कर रही हो? ओ कितनी क्यूट लगती हो खाना खाते हुए। क्या बात कर रही हो, सच में आज हमें 20 डेज पूरे हो गए। वाह। OMG, I can't believe that baby। पता है कल मैं रात को टाइटैनिक देख रहा था और मैंने तुम्हें इतना मिस किया। अच्छा जी, मेरा फेवरेट सीन जब गाड़ी हिल रही होती है। नहीं नहीं यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। चना ना ना चना। मेरा फेवरेट सीन था जब एंड में जैक डूब जाता है। अगर मैं डूब गया तो तुम मुझे बचाओगी? अरे घंटा बाबा जी का, यही डुबाएगी बेटा। चुप हो जा। नहीं नहीं बेबी, मैंने बोला ना यार नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ हूँ, आवाज नहीं आ रही। 1 सेकंड ना भैया, ऑटो ठीक हो गया क्या? हाँ जी भैया ठीक हो गया। तो चलो ना। 200 रुपए लगेंगे। 200 मैं देता हूँ। अभी चाहिए अभी। पहले चलो तो। हाँ बेबी आवाज आई।
वाले माइकल शूमाकर। Come on. I love you three, I love you five. No, I love you infinity, मुझे बोलना था। अच्छा भाई। अबे तू इससे ऐसे बात करता है? तो क्या हो गया बेंच? भाई हमसे भी कर लिया कर कभी। मुंह में लेगा? और तेरा टाइटैनिक का फेवरेट सीन डूबने वाला था। स्केच वाला। आए। Hi baby. अबे फिर चूतिया पास हो गया। बैठिए। नमस्ते। ये बनछोड़दास छतरी वाला है, आपको बताया था ना इसका एडमिशन कराना है, भुवन का दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अभी तो बताया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी सी ज्यादा तालियां मेरे लिए प्लीज। सो गाइस माय नेम इज भुवन बाम, आई एम अ यूट्यूबर एंड अ म्यूजिशियन। मैं थोड़ी धार्मिक किस्म की वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे और एकदम फैमिली के साथ बैठ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे, जब से इन दोनों भाइयों ने बोलना शुरू किया मेरी इनसिक्योरिटी का लेवल इतना हो गया। आई एम सो इनसिक्योर क्योंकि 8th क्लास में रिसर्च कर रहे थे ये लोग और 8th क्लास में मैं सोच रहा था कि राइचू पिकाचू से कैसे विकसित होगा। और यहाँ पे इतना ज्ञान मिल रहा है मुझे, ये मेरे को ले गया पीछे जब मैं स्कूल में था। मैं बैठा हूँ ऐसा सुन रहा हूँ इनोवेशन आइडिया फिजिक्स इको फ्रेंडली अर्थ मदर अर्थ और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर छत गिरेगी तो कैसे बचाऊंगा, अगर कोई बंदा बंदूक लेके आ गया तो मैं कैसे बचाऊंगा। तो ये सारा मेरे दिमाग में चल रहा। बट अभी मेरे को बोला था कि यहाँ कुछ इंस्पायरिंग कुछ बताना है, स्टोरी बतानी, मेरे बस की नहीं है। तो मेरा इंस्पायरिंग, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए इन लोगों से, आप लोगों से। और बीबी की वाइंस एक ऐसी चीज़ है जिसने फ्रैंकली इट चेंज माई लाइफ। आज से एक महीने पहले तक, नहीं एक साल पहले तक मेरे को पता नहीं था कि मेरे को क्या करना है। मतलब आई वॉज हैप्पी डूइंग म्यूजिक, आई वॉज परफॉर्मिंग लाइव अक्रॉस द ग्लोब। बट बीबी की वाइंस मेरे अंदर का कीड़ा था जो स्कूल में सबको होता है। मैं अपनी क्लास का एंटरटेनर था और यहाँ पे कई बंदे होंगे जिनको बातचीत करने में मज़ा आता है, जोक्स क्रैक करने में मज़ा आता है, तो मैं वैसा था। तो मुझे नहीं पता था कि बीबी की वाइंस होने वाला है। इट वॉज सो रैंडम। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं टेडेक्स में हूँ, मैं किसी को देख रहा हूँ टेडेक्स में और मैं ऑडियंस में हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कल घर जाके एक पेज बनाऊंगा जिसका नाम बीबी की वाइंस होगा। आई नेवर न्यू। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज आफ्टर वन इंसिडेंट। जम्मू में फ्लड्स आए थे तो देयर वाज दिस न्यूज़ रिपोर्टर जो कि एक औरत से पूछ रहा था कि आपका बेटा बाढ़ में खो गया आपको कैसा लगा। एंड दैट लेडी वाज लुकिंग एट हिम लाइक तू मरना चाहिए था उसको, तू क्यों नहीं मरा। एंड वो एक जोक मेरे दिमाग में आया कि कैसे वो इतना इंसेंसिटिव हो सकता है। तो उसके बाद आई क्रिएटेड अ वीडियो, वो 10 सेकेंड की थी वीडियो, एंड आई पोस्टेड इट ऑन माई प्रोफाइल। और मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि डूड ये सब ड्रामे हैं, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, पीपल वोंट एक्सेप्ट इट। तो मैंने कहा ठीक है। बट फिर एक इंसिडेंस हुआ, फिर उस पर मैंने वीडियो बनाई और वो वीडियो बनते बनते 4 वीडियो का सेट हो गया। चौथी वीडियो पे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया, 15 लाइक्स। उस टाइम मैं ऐसा हो गया कि यार ये हो सकता है करने पॉइंट लाइफ का। वो 15 लाइक्स मेरे लिए इतने मैटर किए, तब किसी भले मानुस ने मुझे बताया कि तू इसका पेज बना ताकि तेरी पर्सनल प्रोफाइल अफेक्ट ना हो। तो मैंने पेज बनाया और पेज का रैंडमली नाम रख दिया एक्रोनिम अपना बीबी की वाइंस। अब वाइंस ये वो वाला नहीं है जो मजे मारते पीते हैं, वाइंस ये VINES, ये वेस्टर्न कल्चर है जो मैंने देख देख के बनाया है। तो उस पर मैंने वीडियो पोस्ट की एंड माय फर्स्ट वीडियो, आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ किसी को ऑफेंड हो, माय फर्स्ट वीडियो वॉज आई एम फीलिंग हॉर्नी। तो दैट वीडियो वॉज, वो एक कन्फ्यूजन था जो वीडियो देखोगे तो पता लग गया। आप में से कितने देखते हैं बीबी की वाइंस? ये जो नहीं देखता वो प्लीज़ घर जाके देखिएगा, हेडफोन्स मिल जाएंगे तो उसमें देखिएगा, बाथरूम में देखिएगा, बट पेरेंट्स के सामने नहीं देखना, मेरे खुद के नहीं देखते। तो वो वीडियो मैंने, जो आई एम फीलिंग होने वाली है, वो मैंने बीबी की वाइंस के पेज पे डाली और आई गेस वो वीडियो, दैट वीडियो चेंज्ड माय लाइफ। उस वीडियो को वो जो 15 व्यूज थे जो मेरे इमेज बनी हुई थी दिमाग में कि क्या बात है बम आज तुमने 15 व्यूज ले लिए, दैट वीडियो क्रॉस 15,000 व्यूज़ और वो वीडियो वेंट वायरल ओवरसीज।
कहाँ पे? पाकिस्तान में. एंड मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में आधे नाम पाकिस्तान से हैं, तो मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ. देन आई रियलाइज कि वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी में ये वीडियो फेमस हो गया. देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनबॉक्स और एक मोटिवेशन होता है कि क्या यार तेरी इस वीडियो को ये हो गया, अब चल इसको और बनाते हैं आगे, और बनाए और बनाए. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट वीडियो वेंट 15,000 व्यूज समथिंग. और उसके बाद आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज. एक हफ्ते में आई क्रॉस्ड 30,000 फैंस ऑन फेसबुक एक हफ्ते में. एंड इट वॉज बिल्कुल एक ड्रीम था कि क्या हो रहा है, ये स्टैट्स सही में सच है या क्या है, ये ऐसा कैसे हो सकता है. मेरे साथ मेरे जोक जिसपे मैं ही कभी कभी हंसता नहीं हूँ, जोक देख रहे हैं और हंस रहे हैं. तो आई न्यू समथिंग वॉज कमिंग. देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज और वो वीडियो बनाते 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 इट्स नॉट इवन ए ईयर राइट नाउ, 8 महीने हुए हैं और आठ महीने में बीबी की वाइंस के 8 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे. एंड और यूट्यूब पे वो 15,000 व्यूज, यूट्यूब पे वो आज 5 करोड़ व्यूज है. तो एंड सब्सक्राइबर्स भी थी, बहुत तारीफ कर ली अपनी नाउ. तो ये एक इंस्पायरिंग चीज़ है मेरे लिए. और ये इंस्पायरिंग क्यों है, क्योंकि हम सबको पता है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की क्रिएटिविटी पे खाते हैं. ये सबको पता है, वो मेरा भाई था, ही वॉज टेलिंग मी कि कॉपी कैट हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं. पर इसमें ऐसा है कि आपका कोई कॉपी कर रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसको. कोई आपका जोक किसी और को सुना रहा है और आप बोलोगे वो मेरा जोक है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा आपसे. तो उस कॉपी कैट बिजनेस से बचने के लिए मैंने ये किया कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं जो किसी के बस की नहीं बनाना. दैट्स वाई आई चोज 18+ थिंग्स. क्योंकि वो क्या क्योंकि वो 18+ का जो फंडा है वो ये है कि एक वो थिन लाइन है. अगर ऊपर गया तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सीन हो जाएगा, वल्गर हो जाएगा. और अगर वो दायरे के नीचे नीचे रहा तो लोगों को मज़ा भी आएगा और डबल मीनिंग समझ भी आएगा. ठीक है, सही बात है. तो वैसे ही करके मेरे कैरेक्टर्स बनने शुरू हुए. फिर बीबी एक कैरेक्टर है, बाय द वे आई प्ले 15 कैरेक्टर्स इन माय वीडियो और मैं ही करता हूँ खुद ही अपने आप ही अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ लगा के. तो मेरा जो सबसे फेमस कैरेक्टर है आप सबको पता होगा जिन्होंने देखी है, वो है बंछोड़दास. बंछोड़दास इज अ हाँ उसका यही बोला है उन्होंने जो नाम है उसका, तो वो स्लैंग है बंछोड़दास का, बना लो क्या होता है. तो वो है. दूसरा है समीर. बैड गाय. वो बंदे ने बीबी के वाइंस का लेवल इतना भयानक कर दिया कि अब हर बंदे को हर वीडियो में वही चाहिए. उसका नाम है पूरा समीर फूडी. वो खाने का शौकीन है. और यहाँ कई लोगों को जोक समझ नहीं आएगा, वो साइड करिए क्या बकवास कर रहा है, बट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है वो. और समीर का एक ये सारी स्टोरीज हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं बनाता हूँ बीबी के वाइंस से. और उनके ग्रैंड फादर भी हैं जिनको नेचर से बड़ा प्यार है. तो वो नेचर लवर है, क्या हो गया भाई. तो उनको नेचर से बड़ा प्यार है. तो बीबी की वाइंस का ऐसा सीन है कि मैं सच बता रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि आज से 1 साल पहले तक मैं स्कूटी पे घूमता था सबकी तरह. आई शुड राइड ऑन स्कूटी मस्त एकदम बारूने में घूम रहा हूँ और हाफ स्लीव्स पहन के एकदम झल्ला सा होके, बाल तो लंबे थे ही बचपन से, तो झल्ला सा होके घूम रहा हूँ. अब क्या सीन है, अब आई हेट दिस फैक्ट बट दिस हैपेंड आफ्टर बीबी की वाइंस दैट मेरे को ना चाहते हुए भी मेट्रो में भी घूमना अलाउड नहीं है. क्योंकि पीपल आर लविंग मी सो मच, पीपल आर शोइंग मी सो मच लव. और ये एक है कि कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ अच्छाई भी आती है और बुराई भी आती है. बुराई ये आ गई कि अब लोग मुझे देखते हैं मेट्रो में तो दे लाइक बेंचो एंड आई लाइक मेरा असली नाम बीबी भुवन बाम, वो कोई नहीं याद किसी को, याद तो है बट पीपल रिलेट मी मेरे कैरेक्टर से. तो कभी आएगा कोई बेंचो, कभी पीछे से एकदम कान में सुनने में आ जाएगा होला क्या समीर, तो ऐसे करके. तो वो अच्छा लगता है कि चल तुमने जो बनाया वो कैरेक्टर लोगों तक पहुंच रहा है. तो ये पावर है सोशल मीडिया का. तो यहाँ पे कितने लोग पैशन है, कोई पैशन हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, किसका है, क्या है भाई, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, जिसका जो भी हो, आप जो भी करें प्लीज ओरिजिनल रहें. ओरिजिनल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में. बीबी की वाइंस से पहले आई यूज्ड टू डू म्यूजिक, आई स्टिल डू. मेरी जो मेन अर्निंग है वो म्यूजिक से है, प्राइवेट पार्टीज, शोज और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें आई परफॉर्म. तो म्यूजिक का ऐसा सीन है कि आई स्टार्टेड माई जर्नी विद म्यूजिक. स्कूल के दिनों से आई वॉज इन टू म्यूजिक एकदम अच्छे से, एकदम जो क्लास का एंटरटेनर था
मैं वो उसको पता था, मेरे को लाइफ में ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, ये नहीं पता था क्या करना है, ये अच्छे से पता था कि भाई पढ़ाई नहीं करनी मुझे। मैंने कॉमर्स दिलवा दी घर वालों ने, टेंथ के बाद मेरा कॉमर्स ले स्कोप है। क्या स्कोप है जी? अकाउंट शीट कभी टैली नहीं हुई मेरी 2 साल। उसके बाद मैंने थक हार के देना है, गॉट हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम भगत सिंह कॉलेज डीयू से, हिस्ट्री ऑनर्स मैंने की। और मम्मी पापा, जो मम्मी पापा हैं ये जो वर्ड है ना, दो ये लोग हमें कई बार इतनी बुरी सिचुएशन में फंसा देते हैं। नाइन्थ में, टेंथ कर ले बेटा लाइफ सेट, ठीक है पढ़ लिया, टेंथ हो गई बेटा, इलेवंथ कर ले लाइफ सेट हो गई, इलेवंथ कर लिया बेटा, ट्वेल्थ कर ले उसके बाद तो सेट, ट्वेल्थ कर ली, अब कॉलेज आ गए बेटा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर ले बेस बन जाएगा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर कर ले लाइफ सेट, लाइफ सेट, थर्ड ईयर लाइफ सेट, उस शादी कर ले लाइफ सेट, बीवी आ गई लाइफ सेट। कहाँ अपना अपना कुछ पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, और वो मैंने किया। बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे पता है कितना बड़ा रिस्क है ये, कि आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, 9 to 5 जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं है कि ये कब तक चलने वाला है, बट एक चीज़ की खुशी है, जब मैं उठता हूँ तब मैं आई फील वेरी प्राउड कि यार आई डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विच पीपल आर लविंग एंड पीपल नो मी एंड आई नो कि मुझे आगे क्या करना है। अकेडमिकली नहीं, 9 to 5 पता नहीं मेरे से कभी होगी नहीं होगी, बट मुझे ये पता है कि टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल कीप एंटरटेनिंग पीपल, और मुझे वो देख के मजा आता है। ये नहीं कि कोई तारीफ कर रहा है, ये है कि आई हैव सीन पीपल, मेट्रो में लोग मेरी वीडियो देख के हंस रहे होते हैं, क्यों करके हाँ 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 हंस रहे होते हैं, और मैं बगल में खड़ा हूँ एंड लुकिंग एट देम, चल ये अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, इनको पसंद आ रहा है, मतलब पीपल आर लाइकिंग योर वर्क। तो 2015 में आई क्रिएटेड अ सॉन्ग, आई रोट अ सॉन्ग, आई कंपोज अ सॉन्ग, वो भी एक स्लैंग था, मेरी लाइफ ही ऐसी, वो एक स्लैंग था, उस गाने का नाम था बैन डैश CHOD, वो डैश लगाना जरूरी था उस गाने में, क्योंकि इट वॉज अबाउट ऑल द इररेलीवेंट बैंस जो हमारी गवर्नमेंट लगा रही थी, बीफ पे बैन लगा दिया और निर्भया डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा दिया। सो दैट सॉन्ग वेंट वायरल, काफ़ी मीडिया पब्लिशिंग साइट्स ने उसको पब्लिश किया, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था उस टाइम, मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़का है सोच नहीं सकता था। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फॉक्सस्टार स्टूडियोज टू कंपोज अ सॉन्ग फॉर देयर मूवी, दे वर मेकिंग मूवी इंडिया के विलेजेस पे बेस्ड, सो दे वॉन्टेड द एग्जैक्ट सॉन्ग, सो प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। अब ट्विस्ट भी बता दूं, वो बात हुई नहीं आगे, फोन आया सब बात हुई, सो फॉक्स से डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी मेरी, बीच में कुछ बंदे थे जो बात कर रहे थे, जो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, फन्ने खां मतलब कि हम ही बादशाह हैं, मतलब उनके हाथ में था मेरा म्यूजिक जज करना। जब मैं हम उनसे मिलने गया मुंबई में, तब जो लाइक हाँ हाँ हनी सिंह वो, एंड आई वेंट देयर विथ 2 सॉन्ग्स, 2 गाने बना के गया उनके पास कि सर ये गाने मेरे मुंह पे, अरे क्या है यार, दूसरा सॉन्ग सर दिस इज द सॉन्ग विच आई थिंक विल डू, क्या ही कह रहा, नहीं यार कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, फॉक्स स्टार है। मैं ठीक है सर, घर भेज दिया वापस मुझे, फोन आता है कि भुवन वी नीड अ फ्यू मोर सॉन्ग्स। आई वॉज सो डेस्परेट कि यार फॉक्स का है, लेबल है, नाम आ गया तो मजा आ जाएगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। आई गेव देम 7 songs in 10 days, आई नो हाउ आई कंपोज दो सॉन्ग्स, पूरा बैठ के खाना वाना सब स्किप, घर वालों से रिश्ते तोड़ दिए मैंने, ऊपर कमरे में बैठ के मैं गाना बना रहा हूँ गाना बना रहा हूँ, वो 7 के 7 गाने मैंने उनके सामने रख दिए। और बात दिस आई रिग्रेटेड कि वो बात व्हाट्सएप पे हो रही थी, सो मेरे को समझ नहीं आ रहा था उनको क्या चाहिए। फाइनली उन्होंने वो 7.5 गाने सुने, फोन आता भुवन कुछ और, अरे मैंने कहा सर 7 गाने दिए कुछ तो कंसिडर करो, कह रहे नहीं भुवन, कह रहे वैसा वाला चाहिए जैसा तूने बनाया था बैंड वाला। मैंने कहा क्या करूँ, नाउ हियर कम्स द पार्ट, वही गाना डाल दे लिरिक्स चेंज कर दे। मैंने कहा राइट चले जाए फॉक्स के पास, मैं क्या करूँगा, तुम उसको दे दोगे लोग फिर उसको फॉक्स के नाम से जानेंगे, मेरा सॉन्ग तो गया, कह रहे नहीं। उस दिन मेरे दिल से इतनी सच्ची हाय निकली उनके लिए, वो हाय ऐसी लगी कि फिल्म आई और गई, पता भी नहीं चला, एक पता नहीं कहाँ नॉर्थ दिल्ली के किसी थिएटर में लगी थी। तो वो एक चीज़ थी कि एक्सप्लॉयटेशन इस फील्ड में, या हर फील्ड में कह सकते हैं बट मेरे को इस फील्ड का आइडिया है, एक्सप्लॉयटेशन इस फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। और उस दिन आई रियलाइज कि नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री, ये बात फैक्ट की है, बिकॉज बीबी की वाइंस जब था तो फेसबुक तो मोनिटाइज करता नहीं वीडियोज बिल्कुल भी किसी चीज़ की, बट किसी ने मुझे बोला यूट्यूब कैन पे, तो यूट्यूब का ऐसा है सीन कि YouTube का CPM रेट अगर आपको लेमैन भाषा में बनाऊँ तो क्लिक्स पर 100 व्यूज़, तो YouTube का वो थोड़ा कंजूसी है इंडिया में,
बाहर वो अमीर लोग छाप रहे हैं बस, तो अब मेरा कंटेंट है, मेरे कंटेंट का अगर 1 मिलियन व्यूज होता है तो उसका मुझे काफ़ी कम चीज़ मिलता है। बट ये है कि अब कंबाइंड ऐसा हो रहा है कि आई नेवर न्यू दिस, बट ये आप सबको थोड़ा वो लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा, बट अभी मेरे को इतनी खुशी होती है इस बात की कि जो मेरा हार्डवर्क है वो लोगों तक तो पहुँच ही रहा है, प्लस मुझे उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप देखें तो 1 महीने में इफ़ आई रिलीज 2 वीडियोज तो उसका इजीली आई कैन मेंट 3 to 4 लाख वो एक वीडियो, और अभी तक मैंने निकलवाया नहीं क्योंकि मम्मी कहती तू निकलवा लेगा तो सारे खर्च देगा, तो सारे वो अकाउंट में पड़े हैं और डॉलर में बढ़ता जा रहा है उसी। तो ऐसा है कि ये प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, और मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है लाइफ में, बीवी के वाइंस में क्या होने वाला है। और एक कॉन मेरे को जो सबसे भयानक लगता है इसका कि मेरा कंटेंट ऐसा है आपको पसंद आ रहा है, यूथ को पसंद आ रहा है, पर किसी ब्रांड को पसंद नहीं आ रहा। अगर उनको पसंद भी आ रहा है तो दे वोंट अप्रोच मी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो 18+ बनाएगा, अब इसको हम शेयर कैसे करेंगे, टीवी पे कैसे आएगा। बट अब किस्मत ऐसी है मेरी, मेरे को जो पहला मेरा ब्रांड पिछले हफ्ते ब्रांड अप्रोच मी, इट वॉज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड, दे मेड मी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, दे मेड मी एंड दे लाइक ऐसे चाहिए। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं भूल ही गया कि मेरे घर में मम्मी पापा हैं, उनको मैंने बता दिया। आई क्या वो ब्रांड प्रोडक्ट प्लेसमेंट कौन सा लिंक बना क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का ये करेगा तू तू करता क्या यूट्यूब पे मेरे भाई वीडियो डालता हूँ कैसी ऐसे ब्रांड क्यों अप्रोच कर रहे तुझे मेरे भाई थोड़ा कंटेंट 18+ है बट पीपल आर लविंग इट। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी अगले दिन ऑफिस में गई एंड शी वॉच्ड ऑल द वीडियोस, शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक, तेरा कंटेंट ये यही है ना तेरा बीवी की वाइंस ओला बन छोड़ दा यही है ना तेरा, मैंने हाँ तेरे आ रही हूँ शाम को, मैंने चलो पता तो लग ही गया। मेरे पापा को अभी तक नहीं पता मैं ये करता हूँ, उनको बस ये दिखता है कि लड़के आते हैं फोटो खिंचाते चले जाते हैं, कहते तू करता क्या ऐसा, मैंने मम्मी से पूछा अरे द कूलेस्ट पार्ट अबाउट माई पेरेंट्स इज कि वो लोग ना उनको ये मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खून तो नहीं कर रहा ना, किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को रुला नहीं रहा, उनको ये अच्छा पार्ट है कि ही इज मेकिंग पीपल स्माइल, क्योंकि 2 बार तो उनके सामने हो गए, जो बंदा पापा को ऑफिस में मुंह तक नहीं लगाता था वो आज फोन करके आ रहा है, अरे मेरे बेटे को तेरे बेटे से मिलना है यार, पापा कह रहे कौन बोल रहा कह रहे अरे साथ में कर देते हम, अच्छा वो भी है बाहर गए। सो दिस इज द थिंग जो हम सबके पेरेंट्स को प्राउड है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला था तो उसके बारे में पता पापा को पता लगा, पापा तक बात चलेगी कि इसको ऐसा है, कौन सा है अच्छा, और उसमें क्या बनाएगा तू, मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसी वीडियो बनाएगा, मैं थोड़ा ह्यूमर टाइम बनाऊंगा, मना कर मैं क्यों मना करूँ, कह रहे मना करते कह रहे तेरी इमेज ही वही बन जाएगी सर, मैंने कहा अभी कौन सी सुधरी नहीं अभी भी तो ये लोग समझ रहे हैं कि मैं असली वीडियो बनाता हूँ, असली है नहीं वो ह्यूमरस है ना हंसी आती है हाँ नहीं ठीक। तो माय पेरेंट्स हैड दिस इनसिक्योरिटी कि यार ये कैसे कर रहा है क्या कर रहा है, करियर शुरू हुआ है और करियर की शुरुआत में ही ऐसा है कि तू कैसे करेगा बेटा। देन समथिंग हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे यू मस्ट हैव सीन AIB tweeted on my wall, Helix collab. So this was a thing which actually made me feel special. अभी 4 महीने पहले I had participated in a contest जिसके वो जज थे. I didn't even make it to the top 5 में भी नहीं गया था. But now see जो hard work किया है मैंने, जो भी किया उसके चक्कर में they are willing to work with me and I am really honored कि social media मिला मुझे YouTube, जहाँ इतने talented लोग हैं हमारी country में, बट कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, अपना वो करके, मतलब जो उनका पैशन है उसको दबा के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या पता वो आगे काम ना करे, डिग्री तो रहेगी पीछे, मेरी फैमिली का डायलॉग है पीछे गिरोगे तो डिग्री होनी चाहिए, पीछे गिरने के लिए डिग्री होनी चाहिए बैकहैंड पर, तो वो मेरा फंडा समझ नहीं आया। बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके अंदर कोई ना कोई पैशन है, जो कुछ लोग कर रहे हैं फॉलो, कुछ लोग नहीं कर रहे, बट ये है कि अगर आप सिंसियरली अपना काम कर रहे हो,
अगर आप सच्चे दिल से अपना काम कर रहे हो विदाउट लाइंग टू योरसेल्फ, मुझे पता है कि बीबी की वाइंस इज डूइंग गुड फॉर मी, मुझे पता है कि बीबी की वाइंस विल डू गुड फॉर मी एज लॉन्ग एज मैं अपने से सिंसियर। अगर मैंने ग्रांटेड ले लिया यार ये तो फ्लॉप भी हो गई ना, कोई बात नहीं, लोग देखने वाले तो हैं, आराम से 1 मिलियन व्यूज तो आ रहे हैं, जहां मेरे दिमाग में वो थिंकिंग आ गई तो मेरा डिग्रेड वहीं से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग विच आई रियली स्पेसिफिकली फेयर अबाउट। एंड जहां तक म्यूजिक का सवाल है, अभी भी लाइव शोज चल रहे हैं और वहां पे लोग मुझे बुलाते ही बीबी के वाइंस के लिए, बट कॉलेज में मेरी एंट्री बड़ी ग्रैंड होती है, कॉलेज में वीडियो चलाते हैं, मेरी सबसे सोबर वीडियो मेरी बहुत छाट के निकाली मैंने वो वीडियो, जिसमें एक कसवर नहीं है, वो वीडियो चलाते हैं और उसके बाद मेरी एंट्री एकदम धमाकेदार होती है, मीनाक्षी जी ऐसे करके अंदर क्राउड इज शाउटिंग एंड ऑल। अक्सर क्या होता है, अक्सर मैं जाता हूँ मीनाक्षी जी और सामने तीन प्रिंसिपल तीन टीचर्स बैठे हैं और सब बैठे हैं, भाई मेरा मोरल डाउन, क्या करूँ ये बैठे हैं अंदर लोगे मेरे लिए, इसका हुआ है इतना कब से, इसका हुआ बना हुआ है एंड देयर जजिंग, उनकी आंखों से लग रहा था जजिंग, टीचर्स आर टॉकिंग देम सर क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड क्राउड ऊपर एंड देयर शाउटिंग, क्राउड वो अलग, वो अलग चिल्ला रहा है एंड्रू 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 एंड प्रिंसिपल ऊपर देख रहा है, अरे इसको गालियां पड़ रही फिर भी खड़ा हुआ है। तो ये कुछ होता है मेरे साथ, कितना टाइम रहेगा है कि नहीं, बंद ही कर दिया, बहुत चालाक आदमी। अच्छा सो दिस इज द थिंग एंड प्लस व्हाट आई फील कि मेरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मेरे को लिखने का बड़ा शौक है। माय करियर स्टार्टेड विद म्यूजिक एज आई टोल्ड यू, आई यूज्ड टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, सिटी वॉक के पीछे एक रेस्टोरेंट है मोती महल डीलक्स करके, तो वहाँ आई यूज्ड टू परफॉर्म विद माय ट्रियो और उधर मैंने 1.5-2 साल तक रेगुलरली म्यूजिक बजाया, एक्सप्लॉयटेशन की हद, मंडे टू संडे फ्रॉम 8 PM to 12 PM एवरी डे फॉर 1-1.5 ईयर मैंने ये किया है और शायद उसी वजह से आज मेरे को जो स्टेज फियर है वो मेरा है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है बट वो जा चुका है, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट्स जो आते हैं और एक टाइम को ऐसा हो जाता था कोई सामने से आ रहा था मुझे देख के पता लगता था कि ये क्या खाएगा मेन्यू, उसका चेहरा देख के लगता था क्या खाएगा तुम्हारा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है क्या खाएगा और क्या सुनेगा, तो ये एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के जिनकी वजह से बंदा इवॉल्व होता है। एंड अब मैं आपको एक अपना गाना सुनाने वाला हूं, ये ऑन कर दे। म्यूजिक किसको पसंद है, हु लाइक्स म्यूजिक यहाँ पे, डिस्टॉर्शन कोई नहीं। सो दिस इज द सॉन्ग, द सॉन्ग इज कॉल्ड तेरी मेरी कहानी एंड आई वांट एवरीवन टू प्लीज क्लैप अलोंग विद मी। आसमां के रंग देख ही रहा हूं मैं, कभी नीला है कभी लाल है कभी पीला है कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी, बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें, देखो कभी दाए कभी बाए कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी, बातें कुछ अन कहीं कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, मेरी 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 तेरी बात पुरानी है, क्या मेरा क्या तेरा है यहाँ, जो भी है बस इसको बांट ले, जितने भी पल तेरे मेरे संग खुशी खुशी हंसते हंसते तू काट ले, आने नहीं दूंगा पल को मैं आंसू तेरे में कभी, मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं, आने नहीं दूंगा पल को प्यासू तेरे में कभी, मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं, बात बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें, जो तू कभी दाए कभी बाए कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी
तेरी मेरी तेरी कहानी है, बातें कुछ नहीं कभी कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली, तेरी मेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है। तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ नहीं कभी कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली, मेरी 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 तेरी बात पुरानी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ प्लेजर टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑल यू गाइस एंड द लवली ऑडियंस। एक बार जोरदार तालियां TEDx पे क्लैप कीजिए।